हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिंस कुमार। हम लोगों ने हिस्ट्री को डिफाइंड तरीके से देखा था, आज फिर एंशियंट हिस्ट्री का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जेएसएससी और जेपीएससी के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, और अगर आप स्टेट लेवल झारखंड के कोई भी एग्जामिनेशन को कम्पीट करना चाहते हैं तो आपको इनके इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इसमें मैं डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा और फिर ज़रूरत पड़े तो मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी इनमें जाऊंगा। तो जो एंशियंट हिस्ट्री है वो मेनली दो भागों में डिवाइड था, प्री हिस्टोरिक पीरियड और एक हिस्टोरिक पीरियड। मैंने इसे बता चुका हूँ, और प्री हिस्टोरिक पीरियड था इसमें मेनली मैं तीन भागों में बांट कर आपको बताऊँगा, एक अर्ली स्टोन एज, एक मिडिल स्टोन एज और एक न्यूअर स्टोन एज। तो अर्ली स्टोन एज को देखता हूँ, तो दोस्तों कुछ कुल्हाड़ी और स्क्रैपर्स, ये टूल्स थे, ये आपको बोकारो, देवघर, दुमका, बांडा जो कि हजारीबाग में है, और रामगढ़ के किनारे से जो दामोदर नदी बही है उनके पास से भी आपको इन सब चीज़ों का साक्ष्य मिला है। दोस्तों, ये मेनली आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा ही हमें सारा डाटा प्राप्त हुआ है, जिससे कि इन सब चीज़ों के बारे में साक्ष्य मिलता है, और ये दर्शाता है कि झारखंड भी अर्ली स्टोन एज से गुजर चुका है। तो कुछ कॉपर के बर्तन भी आपको बरगुंडा गिरिडीह ज़िला में और खरभरी जो कि गिरिडीह ज़िला में, इन सब चीज़ों का भी साक्ष्य मिला है, कॉपर के बर्तन मिले हैं यहाँ पर। और इसको में हजारीबाग में जो इसको जगह है उस जगह पे पेंटिंग्स मिला है, ये मैंने कल भी आपको बतला चुका था। और पोट्री उस ज़माने के कैसे टैटूज होते थे, मैरिज उस ज़माने में कैसे होती थी, और मैरिज शादियाँ उस ज़माने में कैसे होती थी, और हार्वेस्ट उस दौरान किस तरीके से खेती बाड़ियाँ और एग्रीकल्चर वगैरह किस तरीके से होते थे, किन किन टूल्स का इस्तेमाल होता था, वो सब भी साक्ष्य हमें इन सब चीज़ों से मिलता है। उसके बाद कुछ स्टोन टूल्स और पेंटिंग्स भी हमें पलामू, गढ़वा और सिंहभूम से मिले हैं। दोस्तों, सिंहभूम का मतलब आप पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों को समझिएगा। ये मेनली कोलाहन प्रमंडल में पड़ता है, कोलाहन प्रमंडल तीन जिलों से मिलके बना है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और एक आपका सरायकेला खरसावां से। फिर मिडिल स्टोन एज को देखता हूँ, तो ये मिडिल स्टोन एज में मेनली आपको आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स जो है वो धनबाद, दुमका और पलामू ज़िले से आपको इनका मिलेगा, और पुराने ज़माने के जो टेंपल्स जो कि अभी खंडर के रूप में बदल चुके हैं वो आपको डालमा में मिलेगा, और एक बुद्धिस्ट का स्टैच्यू भी इन जगहों पर मिला है। दोस्तों, डालमा जो एक है वो नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो आप वो फेमस है, आप उसे जान भी सकते हैं। रांची को ये मेनली स्टोर हाउस बना के रखा था मिडिल एज में, मिडिल एज की चीज़ों को रांची में इनका साक्ष्य मिला है। और जो प्रूफ्स है वो जगन्नाथपुर और ईस्टर्न सिंहभूम से भी कुछ कुछ मिडिल स्टोन एज के चीज़ें और साक्ष्य वहाँ से भी मिली है। उस ज़माने के जो टूल्स थे वो करीबन 1 से 3 इंच के मिले हैं, जो कि धनबाद, दुमका, पलामू, रांची और ईस्टर्न सिंहभूम एरिया में, झारखंड के इन ज़िलों में, धनबाद, दुमका, पलामू, रांची और ईस्टर्न सिंहभूम इन जगहों में ये सब चीज़ों का साक्ष्य मिला है। दोस्तों, फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और न्यूअर स्टोन एज को देखता हूँ। तो कुछ न्यूअर स्टोन एज दोस्तों मिडिल स्टोन एज और अर्ली जो स्टोन एज थे उनसे कुछ डिफरेंट है। इस जगह पर लोग जो हंटर्स थे पहले और गैदरर्स थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को लाते थे, उन पर जिंदा रहते थे और हंटिंग करते थे अपने दिनचर्या को चलाने के लिए, तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया और वो एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, वो खेती बाड़ी करने लगे, जानवरों को पालन पोषण करने लगे और पालतू जानवरों को रखने लगे, और उनसे जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होता था उनसे थोड़ा इस्तेमाल करने लगे। तो एज अ प्रिमिटिव से उन्होंने अपने आप को हल्का सा मॉडर्न बनाया, और इनके टूल्स और ये सब भी जो थे वो कुछ पुराने अर्ली स्टोन एज से कुछ डिफरेंट थे, नए थे। तो इनका साक्ष्य कुछ हथियारों से भी मिलता है, जो टूल्स थे और पुराने जो जवाने के टूल्स थे उनसे कुछ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये कारो एरिया जो कि चाईबासा में है, जब 1868 में वहाँ पर खुदाई हुई थी तो उन जगहों पर न्यू स्टोन एज के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, इसे बतलाने का मेन कारण ये है कि झारखंड इन सब दौर से गुजर चुका है, हर एक साक्ष्य झारखंड में भी यहाँ पर मिल चुके हैं। तो रांची, लोहरदगा, जमशेदपुर और ईस्टर्न सिंहभूम में भी आपको नए जो स्टोन एज थे उनके भी साक्ष्य आपको इन जगहों पे मिलेगा।
उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ब्रॉन्ज एज को देखते हैं। ब्रॉन्ज एज में मेनली आपको पता है कि पुराने ज़माने के जो ट्राइब्स थे, एंशियंट ट्राइब्स, वो असुर और बिरजिया अपने आप को यहाँ पर मानते हैं। जैसे दैट इज आप उन्हें कह सकते हैं कि ये लोग आदिम जनजाति थे। तो छोटा नागपुर रीजन में ये लोग पाए जाते थे और इन लोगों के द्वारा ही इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता था। ऐसे ऐसे बर्तनों लोग बर्तन के ब्रॉन्ज के बर्तन और ब्रॉन्ज के टूल्स वो लोग इस्तेमाल करते थे। इनका साक्ष्य आपको हजारीबाग, रांची, दुमका, मांडू, बरमुंडा, रजरप्पा, रजरप्पा में एक फेमस काली जी का मंदिर है दोस्तों, घूमने के लिए आप जा सकते हैं, कुसुमगढ़, पांडू और इन सब जगहों पे आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा इन सब जगहों पे ब्रॉन्ज एज आपको दिखा है। ब्रॉन्ज के बर्तन और ब्रॉन्ज के टूल्स इन जगहों पे मिला है। एक कप लोहरदगा से मिला है ब्रॉन्ज एज का दोस्तों, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। लोहरदगा में एक ब्रॉन्ज कप मिला था और पंडू में ब्रिक वॉल, मड पॉट और कॉपर टूल्स का भी इस्तेमाल वहाँ पर हो रहा था, उन सब चीज़ों का भी साक्ष्य मिला है। तो पंडू में ब्रिक वॉल, मड पॉट, घड़े मिले थे मिट्टी के, और कॉपर्स टूल्स भी वहाँ पर मिले थे। एक कॉपर चेन और ब्रॉन्ज रिंग जो था वो भी मुराद में मिला था। तो ये दो चीज़ आपको मेनली याद रखना है कि ब्रॉन्ज कप जो कि लोहरदगा में मिला था, कॉपर चेन और ब्रॉन्ज रिंग वो मुराद से मिला था। उसके बाद लुपुंगडी जो कि सरायकेला खरसावां में है, वो वहाँ पर भी आपको अर्ली सिमेट्री का इस्तेमाल मिलेगा। मुर्दों को वहाँ पर कैसे दफनाया गया था उनके उन सब चीज़ों का भी साक्ष्य लुपुंगडी जो कि सरायकेला खरसावां में है वहाँ पर आपको मिलेगा। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हिस्टोरिक पीरियड को देखते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड्स को मैंने मेनली डिस्कशन जितना चाहिए था मैंने, लगता है कि मैंने किया है। उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड को देखेंगे तो हिस्टोरिक पीरियड में मेनली रिलीजियस बिलीफ्स को मुझे देखना होगा, दैट इज जैनिज्म और बुद्धिज्म। अगर मैं उसे भी ले आता तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता था, खिंच सकता था, तो मैंने उसे और भी डिटेल्ड में डिस्कशन किया है, जिससे कि आपको जो हिस्ट्री है उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलेगा। मैं इंडियन हिस्ट्री और झारखंड से वो कैसे मिलते जुलते हैं, उनसे साक्ष्य दोनों को मैं रिव्यू करके अगले बार मैं लाऊंगा। तो मैं एक जस्ट ब्रीफ रिव्यू देना चाहता हूँ वैदिक पीरियड को। तो मैंने पहले भी बता चुका था और फिर से बताता हूँ कि इसे वैदिक पीरियड में किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और असुर और खड़िया, बिरहोर ये लोग उस ज़माने में रिसाइड थे, वो लोग इस ज़माने में वहाँ पर पाए जाते थे, वो लोग इस ज़माने में यहाँ पर रहते थे, वो लोग अपने आप को पुराना उस ज़माने के आदिम जनजाति मानते हैं। और किकटनम दर्शनारिया वहाँ पर ऋग्वेद में ये काफ़ी साक्ष्य मिला है कि वहाँ पर जो लोग रहते थे वो झारखंड को एज अ किकटनम दर्शनारिया के नाम से जाना जाता था, और जो ट्राइब्स पुराने ट्राइब्स वहाँ पर रहते थे उनको शिश्नो देवा कहा जाता था। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि झारखंड को एज अ किकटनम दर्शनारिया देखा गया था और शिशुनो देवा वहाँ पर जो लोग रहते थे उनको ऋग्वेद में कहा गया। फिर लेटर वैदिक पीरियड में हम देखते हैं तो किकट प्रदेश चार पांच भागों में बटा हुआ था, जिसमें कि मगध मगध था, अंगा था, पुंड्रा था और कलिंग था। और दोस्तों आपको पता होगा कि आयरन का इस्तेमाल पुराने हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह में भी आयरन के साक्ष्य नहीं मिले थे, कॉपर वगैरह का यूज होता था, बट जब वैदिक पीरियड आया तो आयरन का इस्तेमाल होने लगा था। तो इस दौरान भी आपको आयरन के कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे से मिले हैं, तो ये दिखलाता है कि हिस्टोरिक पीरियड में आयरन का इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छे लगा तो आप इसे और लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद।